हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी का पूजन, जो कि मेरे घर पे गणेश जी रखे गए थे। कृषि हुआ था तो उसके ऊपर मम्मा ने बोले हुए थे, तो वही मतलब रखे पूजा हुई थी, तो वो चीज़ मैं पहले नहीं शेयर कर पाई। तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये चीज़ शेयर करी जाए। तो ये फर्स्ट डे है जिस दिन मैं गई थी अपने घर, तो सुबह गई थी और शाम को वापस आ गई थी। तो मैंने सभी दिनों का नहीं बना पाया था, तो मैंने फर्स्ट डे का ही सिर्फ बना पाया था, और मैंने जो लास्ट डे पे विसर्जन जो होता है उस दिन का मैंने बनाया था। तो आप ये देखिए और इन्जॉय करिए। ये बहुत अच्छे से पूजन हुआ था, मेरे घर पे पहली बार ही गणेश जी रखे गए थे। तो मैंने ये मतलब मेरी छोटी वाली सिस्टर ने ही सारा डेकोरेशन वगैरह खुद से ही कर लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी देखिए इसको, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स वगैरह और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहती हूँ, और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए है तो उसको मैं वीडियो के द्वारा आपको तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर आप वीडियो को वॉच करिए। हम लोगों ने गणेश जी को 56 भोग लगाए हुए थे, तो उसमें से आधे हम लोग मतलब 40 के समथिंग हम लोग मार्केट से अरेंज कर लिया था, बाकी का हमने खुद अपने हाथों से घर पे ही बनाया था। क्योंकि घर पे बनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम रखा था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, तो हम लोगों ने घर पे भी गणेश जी के लिए बनाया था। तो टोटली 56 भोग भगवान जी को हम लोगों ने दिए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने थाल में इनको सजाने के बाद रात में भोग लगा दिया था, यानी कि विसर्जन के एक दिन पहले ही, क्योंकि विसर्जन वाले दिन हवन पूजा वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक दिन पहले ही मतलब 56 भोग लगा दिए थे आरती वगैरह करने के बाद में। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा सा ठीक से नहीं बना पाया, क्योंकि कृषु की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसको बहुत ज़्यादा सर्दी जुखाम वगैरह हो गया था, तो वो रो रहा था, तो इसलिए मुझ पर मैंने जितना कैप्चर कर पाया उतना मैंने किया।
उसकी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो फिर यहाँ पे हम लोग रात हो गई थी, आरती के बाद हम लोगों ने यहाँ पे 56 भोग भगवान जी को अर्पित किए थे। साथ अपनी ढोलक गई थी। सुबह जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन घर पे हवन हुआ था, क्योंकि गणेश जी के विसर्जन से पहले हवन किया जाता है, हवन पूजा होती है, तो वही हवन हो रहा है। क्योंकि घर के ज़्यादा मेंबर्स नहीं थे, घर में जितने भी थे उतने ही थे, दीदी आ गई थी, मैं आ गई थी और ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इतने में ही मतलब हवन वगैरह हो गया था। मैं तो हवन में बैठ भी नहीं पाई थी क्योंकि कृषु की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ भी नहीं हो पाया था। तो मतलब पापा मम्मी और दीदी ही बैठ पाई थी। आज गणेश जी की विदाई है तो बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि घर में 11 दिनों से गणेश जी बैठे हुए थे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आज वो चले जाएंगे। उठा लिया है, अब वो निकल रहे हैं गणेश जी को विसर्जन करने के लिए। सामने से हट जाओ मैग।